नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग सक्सेस में। सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो बैंकिंग प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या जो पहले से कर रहे हैं, उनको किसी भी एग्जामिनेशन से संबंधित कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी स्टडी मटेरियल वगैरह आपको चाहिए, तो वो सारा का सारा हम फुली बैंक के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, RRBs लाइक IUPS PU, IUPS क्लरिकल, SBPU, SBI क्लरिकल, NABARD, SEBI, RBI, LIC, जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड जितने IUPS एग्जामिनेशन करवाते हैं, उन सभी को हम कवर करते हैं इस वीडियो कोर्स लेसन के माध्यम से। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसी के साथ अकेडमी पे जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपके रीजनिंग के कोर्सेज मिलेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये रहेगा कि आपको स्टडी मटेरियल जो जिसके लिए आपको 5-7 हज़ार रुपये लगा के कोई पैड कोर्सेज लेना पड़ता है, वो आपको विदाउट 5-7 हज़ार रुपये लगाए हुए सेम टू सेम जो एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है, वो चीज़ें आपको एकदम फ्री में मिलती है। तो सिर्फ आपको वीडियो को शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपके 5-10 हज़ार रुपये जो आप पेड कोर्सेज के लगाते हो, वो आपके बच जाएंगे, ठीक है? तो ये आपको काम करना है। अब बात करते हैं IBPS PU मेंस की मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है इस साल की। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो भी कट ऑफ की प्रेडिक्शन हम करते हैं, लगभग सेम वही कट ऑफ जाती है। 5-7 नंबर ऊपर नीचे होता है, वो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता उसमें, क्योंकि सभी के सभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते हैं। एग्जैक्ट कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ तो स्टूडेंट का रिव्यू होता है तभी अपने बता सकते हैं। और कुछ लोग जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जो ACU में बैठे हैं, या जो लोग एग्जामिनेशन कभी, उन लोगों ने IBPS या RRB या कोई भी IBPS का एग्जामिनेशन था, वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही नहीं दिया, वो लोग ही कट ऑफ का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। उन लोगों को पता ही नहीं कि क्या कुछ ट्रेंड चल रहा है एग्जामिनेशन के अंदर, क्या आ रहा है। वो लोग सिर्फ देखते हैं हमारे जैसे लोगों का प्रेडिक्शन, देखते हैं हमारी वीडियोज़ देख के वो खुद बताने लग जाते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक्चुअली में उनको पता ही नहीं कि एग्जामिनेशन के अंदर क्या चीज़ें पूछी जा रही है, उन्होंने कभी एग्जामिनेशन ही नहीं दिया, तो उनको क्या पता होगा कि क्या चीज़ें एग्जामिनेशन के अंदर आ रही है। तो ऐसे ऐसे लोग जो आपको गुमराह कर रहे होंगे, तो उन लोगों के चक्कर में आप ना पड़े, और एक सही और स्टिक रिव्यू आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए, ये जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है, इसको अपने यहाँ पे कंडक्ट किया है, लास्ट ईयर की कट ऑफ है ये, तो इसको आप देखिए एक बार कि रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड की जो कट ऑफ थी, तो वो लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी थी। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 10.25, सेक्शनल कट ऑफ 10.25, तो ये जो है ना 10.25, तो इसके अराउंड ही आपकी रीजनिंग की सेक्शनल कट ऑफ इस बार रहनी चाहिए। इससे थोड़ी सी कम रह सकती है, पर इससे ज़्यादा नहीं जाएगी आपकी। इससे थोड़ी सी कम रह सकती है, पर इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात की जाए, जनरल कैटेगरी की, तो 11.25 लगभग यही रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का कट ऑफ भी आपका। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की कट ऑफ 4.5 नंबर है, तो इससे कम जा सकती है कट ऑफ, ज़्यादा नहीं जाएगी, ये यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस की कट ऑफ 8 नंबर है, लगभग 8-10 के नंबर यही कट ऑफ इसकी रहेगी। और इंग्लिश लैंग्वेज का जो डिस्क्रिप्टिव आपका होता है 25 नंबर का, उसकी कट ऑफ जो है 10 नंबर है जनरल कैटेगरी, तो यही कट ऑफ इस साल आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत इस कट ऑफ के अंदर चेंजेस हो सकते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, लगभग कट ऑफ आपको यही देखने को मिलेगी, ठीक है? और OBC SC STPW के लिए ये आपकी कट ऑफ यहाँ पे रहेगी, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर बात की जाए लास्ट ईयर की कैटेगरी वाइज कट ऑफ की, तो देखिए जनरल कैटेगरी की जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी 74.50 थी, यानी 74.50 थी। और OBC की बात करें तो 68.38 कट ऑफ थी, SC की बात करें तो 56.38, ST की बात करें तो 35.75, और HI की बात करें तो 42.63, OC की बात करें 53.25, BI की बात करें 66.88, और ID की बात करें तो 37 नंबर कट ऑफ थी। अगर इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अपने बात करती हैं, तो सबसे पहले मैं मार्क्स बता देता हूँ कि कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर बात की जाए क्वांट की, तो क्वांट के अंदर 12 से 13 नंबर आपके आ रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आप स्कोर कर रहे हो और आप एक सेफ स्कोर के अंदर हो। तो क्वांट की जो मार्क्स रहेंगे वो 12 से 13 नंबर, और रीजनिंग की अगर बात की जाए तो 15 नंबर्स तक स्टूडेंट अप्लाई जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है, तो 15 नंबर तक उनके बन रहे हैं। और इंग्लिश की अगर बात करें तो 17 नंबर, GA की अगर बात की जाए तो अगर जिनका GA अच्छा है तो वो 25 तक ही बहुत सारे लोग पहुंचे, उससे ज़्यादा भी लोग 30 तक भी पहुंचे, लेकिन 25 एक अच्छा स्कोर है। और डिस्क्रिप्टिव की अगर बात की जाए तो 12 से 15 नंबर, डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो 12 से 15 नंबर एक सेफ स्कोर रहेगा। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो स्कोर्स की, तो वो 76 के राउंड इस साल का बन रहा है, 76 या 75 के राउंड, तो ये आपका स्कोर हो रहा है। जो कट ऑफ रहेगी वो इससे थोड़ी सी कम रहेगी कट ऑफ का, अगर मैं तो जो कट ऑफ इस साल की रहेगी वो मैं आपको बता दूं, 72 से 75 के राउंड या इससे कम कट ऑफ जाएगी। 75 से ऊपर कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी, किसी भी हालत में कट ऑफ नहीं जाएगी। इससे नीचे कट ऑफ जाएगा, 72 तक
जा सकता है कट ऑफ, और 75 या 72 के अराउंड आपका कट ऑफ रहेगा, पर इससे ऊपर कट ऑफ आपका नहीं जाएगा किसी भी कैटेगरी का, ये जनरल कैटेगरी की बात हो रही है, इससे नीचे नीचे रहेगा बाकी कैटेगरीज का कट ऑफ। तो आप देख सकते हो इससे एक बात बताई जाए तो माइनस या प्लस 3 हो सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये, एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ और एग्जैक्ट कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, पर अपने जो यहाँ पे चैनल पे प्रेडिक्शन किया जाता है उससे लगभग 3 4 नंबर ही ऊपर नीचे रहता है। तो मैं इसलिए +3 और -3 बता रहा हूँ आपका 72 के अराउंड जनरल कैटेगरी कट ऑफ, तो यही आपकी कट ऑफ रहेगी एग्जैक्ट। और जो लोग बोल रहे हैं 135 130, तो वो तो देखिए ऐसा कुछ भी संभव नहीं है कि 125 कट ऑफ चली जाए, या लोगों के अटैम्प्ट ही 125 है, तो वो कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, तो जिन लोगों के 15 अटैम्प्ट, अगर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए तो उनके मार्क्स 30 बन रहे हैं, तो 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, कुछ 1 नंबर के क्वेश्चन थे, तो वो अलग अलग जिन्होंने अलग अलग क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं वो उन पर डिपेंड है। तो आपकी एग्जैक्ट कट ऑफ मैंने बता दी, यही रहेगी। अगर और भी कोई आपको हेल्प वगैरह चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।